होनी चाहिए, इस तरह से कटी हुई कच्चे आम कलियां इस प्रकार काटनी है। हम तेल गरम करने रख देंगे, ये हमारा तेल, जब तक हमारा तेल गरम होता है हम हमारी जो कैरी है यानी जो कच्चा आम है उसको तैयार कर लेते हैं। ये हमने जो कैरी है इनको काट के रख लिया है, इसमें हम मसाले मिलाएंगे। ये हमने हल्दी डाली है, सारे मसाले मिला लेते हैं और ये हम इसमें नमक मिला रहे हैं। स्वाद अनुसार जितने भी आप क्वांटिटी में लो उस हिसाब से। इसमें हम मिर्ची डालेंगे, हल्दी मिर्ची नमक इसमें हम धनिया नहीं डालेंगे क्योंकि रखने वाली जो मसाले होते हैं उसमें धनिया नहीं डाला जाता। अब ये हमने डाल कर रखा हुआ है और हमने यहाँ मेथी मेथी इसको हम एक घंटे के लिए भिगो देते हैं, भिगो कर इसको सुखा लेंगे और इस तरह से ये जब ये सूख जाएगी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये फूल जाए इस तरह से, इसको जब हम इसे तोड़ेंगे तो आराम से दो टुकड़ों में टूट जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तेल गरम हो गया है, ये हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें घी डालेंगे और जीरा डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे इसमें। अब हमने ये तैयार किया था, हमने इसमें हम इस बड़े बर्तन में ले लेंगे और तेल को इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और इस तरह के पात्र में इस तरह के बनने में भर
पहले हमें ये जो कलियां हैं जो हमने काटी हैं इसको डालेंगे, उसके बाद में हमको अच्छा मसाला भरना है और उसके बाद तेल। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो अचार है वो खराब नहीं होगा। हमें इसी प्रकार से भरना चाहिए, ये सही तरीका है भरने का अचार।